a case of variola. The patient was a 45-year-old lady. First consultation was done on 16th April 2005. The symptoms of the case were as follows. Since yesterday, that is from 15th April 2005, large vesicular eruption like that of chickenpox coming up over the face, arms and trunk of her body, feeling itching in the eruption, has fever also but no coryza. On 18th, the vesicular eruption has covered her body extensively. The vesicles have erupted even in the inner orifices such as mouth, throat, esophagus and genital organs. Because the patient was feeling distressing pain in such places, she was now feeling pain in chest also with difficulty in respiration. On 19th April, the eruption got further aggravated. Now the itching, distress and pain also became worse. The breathing became almost an anguish due to pain in the chest. By this time, the eruption assumed the form of a smallpox. I again reviewed the case and prescribed another remedy. And lo, the anguish and the pains started subsiding within minutes. The breathing became easy and the patient got peaceful sleep within half an hour. By 22nd April 2005, the eruption started drying up and itching also reduced. At the time of her great anguish, I missed to take a video clip. The ensuing video clip was taken on 23rd April 2005. पूरी बॉडी पे निकला है आपसे यार हाँ और अब जो वो आपको दर्द हो रहा था ना छाती में सांस की दिक्कत अब बिल्कुल नहीं है आपके तो गले में कोई बॉडी का अंग कोई बचा ही नहीं ओरल कैविटी तक में पूरा था बिल्कुल नहीं है मैं तो निगल भी नहीं पा रही थी गले में निकले थे पूरा अंदर छाती में पूरा सब तो बड़ा दर्द बहुत पेनफुल मैं तो लेट भी नहीं पा रही हूँ नीचे अब थोड़ा ठीक है लेटने वरना तो किसी भी करवट लेटी आप कोई ना कोई दाना दब जाता है टूट जाता है उस दिन सांस लेने में भी दिक्कत बहुत ज़्यादा दिक्कत थी उस दिन तो मुझे पकड़ना पड़ रहा था मुझे कमर कोई मैं इनसे कह रही थी मैंने कहा आज तो बस गई मुझे तीन दिन मैंने बहुत कष्ट के काटे बहुत पेनफुल लेकिन वो मेडिसिन लेते ही उसके बाद जी ठीक कैसे अच्छा ठीक है By 27th April 2005, most of the vesicles had dried up with general feeling of well-being. The condition of the eruption on 27th April was as shown in the ensuing video clip. दास्तान बोलिए क्या हाल था और अब कितना है दर्द कितना था सांस की क्या तकलीफ थी पहले दिन जब मैं आई थी तो थोड़े से दाने थे उसके बाद दाने एकदम से इतने ज़्यादा बढ़ने शुरू हो गए सारे शरीर पे दाने हो गए और चेस्ट में ऐसा लगने लगा जैसे मेरा दम निकल जाएगा इतना ज़्यादा कंजेशन हो गया कि मुझे ऐसा सांस लेने में दिक्कत होने लगी सांस भी इतना ज़्यादा मुश्किल से आ रहा था कि मैं चल भी नहीं पा रही थी इवन बाथरूम टॉयलेट के लिए भी जाना मुश्किल हो रहा था लेकिन ये स्थिति करीब तीन दिन रही है मेरे साथ और मैं सारी रात सो नहीं पाई मैं चल नहीं पाई बस ये लग रहा था कि अब जान गई उसके बाद दवा खाने के बाद मैं जब यहाँ से गई हूँ मुझे नहीं मालूम डेढ़ घंटे मैं सो गई जिन्होंने बताया मुझे कि डेढ़ घंटे तुम सोती रही हो जब मैं उठी तो कंडीशन जो थी मेरी 50% मुझे याद ही नहीं आ रहा था कि इतना ज़्यादा दर्द एकदम से कम कैसे हो गया क्योंकि ये मेरे
इमेजिनेशन से बिल्कुल ही विपरीत था कि दर्द इस तरह से भी कम हो सकता है। उसके बाद फिर जब मैंने दूसरी पुड़िया खाई 4 घंटे बाद, तो दर्द जो है 70% जा चुका था, और जब वो चारों पुड़िया ख़त्म हो गई तो दर्द बिल्कुल ख़त्म हो गया था। मुझे नहीं मालूम वो क्या हुआ, कैसे हुआ, मेरी तो समझ से भी परे है वो सारी स्थिति। 4 दिन जो मैंने कष्ट झेला है बिल्कुल मृत्यु तुल्य कष्ट, मुझे लग ही रहा था कि मैं बच पाऊँगी। बिल्कुल चेस्ट ऐसा हो गया था जैसे किसी ने हाथों से पकड़ रखा है पूरी तरह। मुझे सांस लेने के लिए पहले चेस्ट को पकड़ना पड़ रहा था, उसके बाद मैं सांस ले पाई थी, और सांस लेने में डर लगने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे सांस लेने लूँगी मैं तो मेरी जान निकल जाएगी, क्योंकि सांस इतनी ज़रूरी चीज़ है। अब मैं बस, और कोई परेशानी नहीं है, चेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दानों की है, ये दाने जो है फेस पे इतना कुछ 2-4 दाने अभी रहते हैं जिनमें दर्द है। दर्द हाँ, खिंचाव सा है, और ये जो है इधर की तरफ लगने से ना मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा सा वो हो गया, इरिटेशन सा, या तो छिल गए हैं वो, या लगातार पसीने की वजह से, गीला रहने की वजह से उनमें प्रॉब्लम है। मैं सोची थी कोई क्रीम लगा लूँ, इन्होंने मना कर दिया, नहीं कोई क्रीम मत लगाओ, कुछ भी लगाओ। हाँ, ये अपने आप ठीक होंगे, हम चलते हैं वहाँ, इसलिए मैं यहाँ आया आज। रेस्ट करना ठीक लग रहा है, अब काफ़ी राहत है। काफ़ी राहत है, दानों की वजह से परेशानी है, वरना पूरी ओरल कैविटी में मैं निगल नहीं पाई थी, पूरा ओरल कैविटी मेरी भरी हुई थी, कोई ऐसी जगह बची ही नहीं बॉडी पे जहाँ दाना ना हो। By the 30th April, all the dried up crust had fallen and no further medication was required. As far the marks are concerned, they will take their own course to fade out, as it has happened in the past cases of chickenpox. The case was treated with homeopathic medicines only. The result, variola cured without any consequences. As already stated, no medicine was given after 30th April 2005, but the marks of variola gradually faded out, and now after 4 months, that is on 1st October 2005, the condition of her skin is as shown in the following video clip. अब आपको कैसा लग रहा है ये बताओ? वो जो बीमारी से मैं यहाँ आई थी तो मुझे याद नहीं है। निशान सारे? निशान हाँ, बहुत कम, बिल्कुल ही होता है। अब तो ये है कि थोड़ा सा फला दिखते, क्योंकि इधर भी थे ना आप, तो पूरा पूरी बॉडी पर थे। हाँ, कोई ऐसी जगह बची ही नहीं थी, इवन गले तक में। हाँ, पूरा मैं तो पानी भी पीने लायक नहीं थी, लेकिन अब तो बिल्कुल ठीक हो गया। हाथ पैरों पर सब जगह निशान, अब कोई निशान कहीं भी नहीं है। फेस पे भी एक दो रह गए स्पॉट, वो टाइम के साथ जाएंगे। और आप किसी ढंग की परेशानी नहीं महसूस करते? हाँ, आई साइड मुझे लग रहा है कि थोड़ी वीक हो गई है। अरे वो तो उम्र का भी तो कुछ। हाँ, ये भी हो सकता है। The end of the case.